जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडी जॉब टुडे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2021 से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कोरोना के चलते एज आउट हो चुके हैं। एज आउट होने के कारण ना तो इंडियन आर्मी रैली भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना ही SSC GD का फॉर्म फिल कर पाए हैं। उन सभी कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली भर्ती 2021। ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, PET PST कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2021 को असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन आवेदन आपके 11 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। कैंडिडेट असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 सितंबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। रिक्रूटमेंट रैली आपकी 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी टोटल 1230 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और नोटिफिकेशन में कंप्लीट वैकेंसी डिटेल आप पता कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल के लिए आपका रिक्रूटमेंट सेंटर्स कहाँ पर रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपके रिक्रूटमेंट सेंटर रहने वाले हैं। सभी रिक्रूटमेंट सेंटर असम में हैं, एकमात्र एक सेंटर मेघालय में है, बाकी सभी रिक्रूटमेंट सेंटर असम में हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, ट्रेड ब्रिज एंड रोड, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आपकी रहेगी नायब सूबेदार। नायब सूबेदार की रैंक रहेगी आपकी ब्रिज एंड रोड ट्रेड से जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में अनिवार्य है। जिस कैंडिडेट के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो कैंडिडेट ब्रिज और रोड ट्रेड से अप्लाई कर सकता है, जिसकी रैंक रहेगी नायब सूबेदार। एज आपकी रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। ट्रेड क्लर्क, ट्रेड क्लर्क में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रैंक रहेगी हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 12वीं कक्षा पास। 12वीं कक्षा पास जिस कैंडिडेट ने की है वो क्लर्क ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होने वाला है। स्किल टेस्ट की स्पीड इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट रहने वाली है। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा क्लर्क ट्रेड के लिए। क्लर्क ट्रेड के लिए एज रहेगी 18 से 25 के बीच में। वो सभी कैंडिडेट जो SSC GD का फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे उन सभी कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन्हें क्लर्क ट्रेड से अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। रैंक रहेगी
वारंट ऑफिसर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट है वो वारंट ऑफिसर से अप्लाई कर सकता है। स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होने वाला है, डिटेक्शन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका रहेगा 50 मिनट का इंग्लिश में और 65 मिनट रहेगा हिंदी में कंप्यूटर पर। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 25 ईयर्स के बीच में। जो कैंडिडेट है वो पर्सनल असिस्टेंट ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, इलेक्ट्रिकल फिटर और सिग्नल ट्रेड केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड से। रैंक रहेगी आपकी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा पास साइंस के साथ में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट 10वीं कक्षा में होना अनिवार्य है। साइंस, मैथ और इंग्लिश 10वीं कक्षा में अनिवार्य है, वही कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अप्लाई कर पाएगा। एज रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। जो कैंडिडेट 18 से 23 वर्ष के बीच में है, 10वीं कक्षा में साइंस, मैथ और इंग्लिश है, वो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल फिटर और सिग्नल ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। ट्रेड लाइनमैन फील्ड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास, ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। ITI है, 10वीं कक्षा पास है, इलेक्ट्रीशियन में ITI किया हुआ है, वही कैंडिडेट लाइनमैन फील्ड ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है इस ट्रेड के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा पास, ट्रेड रहेगी राइफलमैन, ITI सर्टिफिकेट इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिकल ट्रेड से। जिस कैंडिडेट ने ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो कैंडिडेट इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। एज रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल मैकेनिक व्हीकल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है इस ट्रेड के लिए। रैंक रहेगी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा सिंपल पास तथा इसके साथ में ITI सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक ट्रेड में। जिस कैंडिडेट ने ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। एज उसकी रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल ट्रेड से। ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी हवलदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 12वीं कक्षा पास किसी भी बोर्ड से, प्लस में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष के बीच में। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक ट्रेड से अप्लाई करने के लिए, ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, फॉर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है व्हीकल मैकेनिक ट्रेड के लिए। रैंक रहेगी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, उसके साथ में डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन किसी भी बोर्ड से ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना अनिवार्य है। एज लिमिट रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। ट्रेड व्हीकल मैकेनिक से अप्लाई कर सकता है। ट्रेड अपोलस्टर ये ट्रेड नहीं है इस बार, असम राइफल में पहली बार इसके रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। अपहोलस्टर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा पास, ITI सर्टिफिकेट इन द ग्रेड, ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है ट्रेड अप होलस्टर के लिए। एज रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा सिंपल पास, ITI सर्टिफिकेट इन द ग्रेड, ग्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एज रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। ट्रेड प्लम्बर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास, ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है प्लम्बर ट्रेड में। एज लिमिट रहेगी 18 से 23 वर्ष प्लम्बर ट्रेड के लिए। ट्रेड सुपर सर्वेयर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी हवलदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा पास,
किसी भी बोर्ड से या फिर एक ITI सर्टिफिकेट इसके साथ में होना अनिवार्य है। सर्वेयर ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास है तो वो सर्वेयर ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट रहेगी 20 से 28 वर्ष के बीच में। जिस कैंडिडेट की एज है वो ट्रेड सर्वेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। ट्रेड फार्मासिस्ट मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रैंक रहेगी वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 12वीं कक्षा पास। में जिस कैंडिडेट ने डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है वो कैंडिडेट फार्मासिस्ट ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं एज की, तो एज आपकी रहेगी 20 से 25 वर्ष के बीच में। जिस कैंडिडेट की एज है वो फार्मासिस्ट ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास प्लस में डिप्लोमा। रेडियोलॉजी ट्रेड से डिप्लोमा किया हुआ कैंडिडेट ही एक्सरे असिस्टेंट से अप्लाई कर सकता है। एज 18 से 23 वर्ष के बीच में। ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 12वीं कक्षा पास प्लस में 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेटनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस वेटनरी फील्ड में होना अनिवार्य है। इसके साथ में एज वेटनरी ट्रेड के लिए 21 से 23 वर्ष के बीच में। जिस कैंडिडेट की एज है वो अप्लाई कर सकता है। ट्रेड फीमेल सफाई कर्मचारी के लिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन वुमेन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास किसी भी बोर्ड से। एज 18 से 25 वर्ष के बीच में फीमेल कैंडिडेट के लिए। ट्रेड बार्बर। बार्बर ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा पास किसी भी बोर्ड से। एज लिमिट रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। जिस कैंडिडेट की एज है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ट्रेड कुक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ही है। मेल कैंडिडेट है वो कुक से अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास। एज आपकी रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। जिस कैंडिडेट की एज है वो कुक ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। ट्रेड मसालची ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। रैंक रहेगी राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास किसी भी बोर्ड से। एज रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। जिस कैंडिडेट की एज है वो अप्लाई कर सकता है। ट्रेड मेल सफाई ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। रैंक रहेगी राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास। एज रहेगी 18 से 23 वर्ष के बीच में। एज का कैलकुलेशन कब किया जाएगा? आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 अगस्त 2021 को। आपकी एज 18 से 23 वर्ष या फिर 18 से 25 वर्ष या फिर 18 से 28 वर्ष, जो भी आपकी एज लिमिट है वो आपकी कैलकुलेशन की जाएगी 1 अगस्त 2021 को। दोस्तों कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज में लागू है वो सभी आपको असम राइफल में भी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं PSP की। जो कैंडिडेट इन ट्रेड से अप्लाई करना चाहता है इन कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, सीना रहेगा 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। नीचे जो कैटेगरी दी हुई है इन कैटेगरी को छोड़कर हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बी और सी। इन कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आएंगे उनको जो हाइट में रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। हाइट 165 सेंटीमीटर, सीना 78 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर। बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में हाइट 162 सेंटीमीटर, सीना 76 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ में 81 सेंटीमीटर सीना अनिवार्य है ST कैटेगरी के लिए। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ब्रिज एंड रोड राइफलमैन, व्हीकल मैकेनिक राइफलमैन, इलेक्ट्रिशियन राइफलमैन, मसालची वारंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट एंड राइफलमैन, फीमेल सफाई, ओनली इन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर, सीना 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। रिलैक्सेशन जिन कैंडिडेट को हाइट में चेस्ट में जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जो कैंडिडेट बी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन कैंडिडेट को हाइट 165 सेंटीमीटर,
फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर, सीना 78 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। एससी कैटेगरी की बात करें तो हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर, सीना 76 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर सीना अनिवार्य है। डी के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडिडेट की हाइट 152.5 सेंटीमीटर, कॉलम ई के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट की हाइट 147.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हवलदार, क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट ट्रेड के लिए सभी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर, सीना 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। रिलैक्सेशन हाइट में जो मिलने वाला है वो उस कैटेगरी को जिस कैटेगरी में लागू है उनको मिलने वाला है। यहाँ पर बी कॉलम के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट, सीना 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। हाइट शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी की बात करें तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल 150 सेंटीमीटर, सीना 76 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की। तो 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में, मेल कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन से हैं उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में करना अनिवार्य होगा। लद्दाख क्षेत्र से जो कैंडिडेट आते हैं फीमेल कैंडिडेट उनको 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करना अनिवार्य है। उन्हीं कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा जो इन सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पीईटी पीएसटी के बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। सभी कैटेगरी का, सभी कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम होगा पीईटी और पीएसटी के बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद होने वाला है। ट्रेड टेस्ट आपका होगा, सभी ट्रेडों का ट्रेड टेस्ट रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद होगा। बात करते हैं स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल एंड अदर देन क्लर्क एंड पीए ट्रेड विल बी कंडक्ट बिफोर अंडरगोइंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लर्क और पीए ट्रेड की जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट मेडिकल से पहले होने वाला है। इन ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट मेडिकल के बाद में होने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन की। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में पास होगा उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद में उनका री मेडिकल होगा। री मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी किस आधार पर जारी की जाएगी दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीईटी पीएसटी ये सभी क्वालीफाई हैं। रिटर्न एग्जाम की आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपके रिटर्न एग्जाम में जितने मार्क्स प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका रहेगा, पे स्केल एंड अदर अलाउंसेज विल बी एप्लीकेबल एडमिजिबल एज पर द पे स्केल एप्लीकेबल टू द असम राइफल पर्सनल। असम राइफल में जो पे स्केल दिए हैं वो आपको मिलने वाला है। दोस्तों जिन कैंडिडेट को अप्लाई करना है वो समय रहते हुए पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में साइट पर लोड हो जाता है जिसके कारण साइट बंद हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात एक बार फिर कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके 11 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर 2021 है। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट रैली आपकी 1 दिसंबर 2021 से ऑनवर्ड है। टोटल वैकेंसी 1230 वैकेंसी है रिक्रूटमेंट रैली 2021 के लिए। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ये नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। इसमें वैकेंसी डिटेल स्टेट वाइज
कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, वहाँ से आप अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एक स्टेट की आपको मैं वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ, इस स्टेट की कितनी वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं झारखंड स्टेट की। झारखंड स्टेट के लिए टोटल 51 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वैकेंसी डिटेल यहां पर कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, स्टेट वाइज दी हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो इतना ही रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।